सीधे लिए चलते हैं कांग्रेस के विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में। दीपेंद्र हुड्डा पहुंच चुके हैं कार्यक्रम में, सीधी तस्वीर संबोधित कर रहे हैं, सुनवाते हैं। एक नारे के साथ आज मैं अपनी बात आपके बीच में रहूंगा, जिसमें हम सब सारे आज शामिल होंगे। मैं कहूंगा राजीव गांधी आपको कहना अमर रहे। आज राजीव जी की जयंती के उपलक्ष में, सद्भावना दिवस के उपलक्ष में, राजीव गांधी, राजीव गांधी हमारे बीच में, हमारे आदरणीय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे आदरणीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोकप्रिय अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय चौधरी धर्मपाल सिंह मलिक जी, हिसार जिले के कांग्रेस के प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री, आपके लोकप्रिय साथी आदरणीय जयप्रकाश जी, हिसार से कांग्रेस के एक मजबूत स्तंभ हमारे आदरणीय प्रोफेसर संपत सिंह जी, आदरणीय अशोक अरोड़ा जी, हमारे बहुत ही आदरणीय पूर्व स्पीकर डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जी, सभी विधायकगण, सभी पूर्व विधायकगण और सभी वो साथी जो बोल लिए उनका मैं नाम ना लेके थोड़ा समय बचा रहा हूँ, क्योंकि गर्मी भी है, उमस भी है। मगर जो साथी जिनको बोलना था लेकिन नहीं बोल पाए, मैं उन सबका नाम आपके बीच में मैं लेना चाहता हूँ। क्योंकि जाम, चारों तरफ जाम, और पहले जब मैं 10 बजे के करीब हम आए तो उस समय मैयर तक था और बाद में हासी तक, ऐसी रिकॉर्ड गर्मी में और रिकॉर्ड उमस में आपकी रिकॉर्ड हाजिरी कुछ बता रही है। जिनको जो समझना है वो समझ लो, ये हरियाणा में बदलाव की आज आपने, और ये अग्नि परीक्षा, ये आपने अग्नि परीक्षा दी है। और मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं अपने सभी साथियों का, इस बात के लिए बधाई देता हूं। इस साल का सबसे ठंडा दिन जनवरी 6 को पानीपत में रिकॉर्ड बना था, और इस बात का सबसे उमस और गर्म दिन आज हिसार के अंदर उस रिकॉर्ड को तोड़ने का आपने काम किया। हमारे भाई जिनको बोलना था, भाई तेलुराम जांगड़ा जी, भाई योगेंद्र योगी जी, भाई कुलवंत मोर जी, प्रोफेसर राजेंद्र मोर जी, जगदीश राय जी, वीरेंद्र गोगड़िया जी, दिलबाग संडील जी, दिनेश डोला जी, बलराम कटवाल जी, अरविंद शर्मा जी, राजेश कासनिया जी, सुमन शर्मा जी, मास्टर सतबीर जी, गिल्लू जी, सुरेंद्र पंगाल जी, सत्येंद्र सारन जी, सुखबीर दूडी जी, कालू पंडित जी, जय सिंह पाली जी, किरण मलिक जी, प्रदीप कोहली जी, ये सभी वो नाम जिनको, और भी बहुत से साथी हैं। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि अभी जितने आप पहुँचे हो यहाँ, आप अंदाजा लगा लेना, जितने आप पहुँचे हो उससे कई गुना अभी पहुँच नहीं पाए, ये आपको भी पता है, हमें पता है। मैं एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्योंकि जब हम इनसे लड़ रहे हैं, बीजेपी से लड़ रहे हैं, सत्ता से लड़ रहे हैं, इनके पास बहुत कुछ है, इनके पास दिल्ली में भी सरकार है, इनके पास चंडीगढ़ में भी सरकार है, इनके पास बीजेपी भी है, इनके पास जेजेपी भी है, दो दो पार्टियां हैं, दो दो सरकार है, सत्ता बल है, धन बल है, मीडिया बल भी इनके पास है, हमारे पास कुछ है तो आपका आशीर्वाद है और आपका दिया हुआ हौसला है, और उस बात पर लड़ रहे हैं, और उस हौसले से लड़ रहे हैं, और आपके आशीर्वाद से लड़ रहे हैं। आज 9-9.5 साल के बाद हरियाणा प्रदेश को विकास की पटरी से उतारने वाली सरकार, हरियाणा प्रदेश के भविष्य को चौपट करने वाली सरकार से लड़ रहे हैं। ये वो सरकार है जो 2014 में जब आई थी, देश में विकास दर के मामले में हरियाणा देश में नंबर 1 हुआ करता था। आज विकास दर के मामले में हरियाणा 17वें पायदान पे पहुंचा दिया इस खट्टर सरकार ने। जब यह सरकार आई उस समय केवल विकास दर ही नहीं,
विकास से जुड़े हुए बहुत से मापदंडों में, निवेश दर में देश में नंबर एक पे था 2012-13 में, सबसे ज्यादा निवेश इन्वेस्टमेंट। आज की रिपोर्ट है आरबीआई की रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस में कि निवेश दर में हरियाणा देश में सबसे पीछे, कितने दुर्भाग्य की बात है। रोजगार सृजन में देश में सबसे आगे था हरियाणा, आज बेरोजगारी में खट्टर सरकार ने हरियाणा को देश में नंबर एक अगर बनाने का काम किया तो बेरोजगारी में हर घर में एक नौजवान बेरोजगार, बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी। ना निवेश हुआ, ना इन्वेस्टमेंट हुआ, ना निजी क्षेत्र के अंदर रोजगार, ना सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरियां तो समाप्त कर दी गई, जो बची वो कच्ची कर दी गई या कौशल निगम के माध्यम से, अग्निपथ के माध्यम से। और उसके बावजूद कोई अगर भर्ती निकली तो या तो एचपीएस सीएसएससी की भर्ती घोटालों की भेंट चढ़ गई, या ले देकर कोई लिस्ट आई तो हरियाणा के नौजवानों से ज्यादा दूसरे प्रदेशों का नौजवानों का नंबर हरियाणा के लिस्टों में आया, जैसे कि हरियाणा के नौजवानों में प्रतिभा ही नहीं। और आज देश में बेरोजगारी में देश में नंबर एक, और जब बेरोजगारी होती है तो कहीं नशे की चिंता, आज देश में नशे में हरियाणा को ऊपर पहुंचा दिया इन्होंने, कहीं अपराध की चिंता, कहीं घर बार अपना सब कुछ बेच के विदेशों की तरफ हमारा नौजवान अपना भविष्य खोज रहा है। जहां जिन शहरों के अंदर कोचिंग सेंटर हुआ करते थे, आज उन शहरों में कोचिंग सेंटर से ज्यादा विदेश में भेजने के एलिटी केंद्र बन गए हैं। ऐसी स्थिति आज हरियाणा के अंदर, वो हरियाणा जो किसान के हितकारी फैसलों में देश में जिसकी गूंज बजती थी जब कांग्रेस की सरकार थी हुड्डा साहब के नेतृत्व में, चाहे 1600 करोड़ के किसान के बिजली के बिलों के माफी का फैसला हो, चाहे 2200 करोड़ के कोऑपरेटिव का कर्जे का फैसला हो जो हमारी सरकार में हुआ था, चाहे किसान के कोऑपरेटिव के काले कानूनों को समाप्त करने का फैसला हो, गिरफ्तारी और नीलामी का काले कानून समाप्त किए गए हो, चाहे किसान को उसकी फसल का गन्ने से लेकर पॉपुलर से लेकर धान तक किसान को उसकी फसल के भाव दिलाने की बात हो, नारा चला करता था कि उड़ा तेरे राज में जीरी गई जहाज में। और आज आज वो प्रदेश जो किसान के हितकारी फैसलों में जिसका उदाहरण देश में दिया जाता था, चाहे भूमि अधिग्रहण कानून की बात हो, आज वो प्रदेश किसान अत्याचार का देश में पर्यायवाची बन गया है। अगर किसान आंदोलन में कहीं पुलिस का प्रयोग किया गया बारी बारी, एक प्रदेश में कहीं लाठी चार्ज, कहीं पानी की बेचारों के निशाने पर लिया गया, तो कहीं बैरिकेड लगाए गए, 701 साल तक किसान बैठा रहा, 750 किसानों के जान कुर्बान हो गई, 750 घरों के चूल्हे बंद हो गए। और अगर एक सरकार थी जिसके मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्री एक स्वर में किसान का तिरस्कार कर रहे थे, और एक पार्टी थी देश की सरकार से लेकर और प्रदेश की सरकार तक हर व्यक्ति की जबान पे जिस पार्टी सत्ताधारी लोगों के किसान के लिए अपमान था, तो वो बीजेपी पार्टी थी और हरियाणा सरकार थी। आज किसान अत्याचार में खट्टर सरकार ने देश में नंबर एक बना दिया। वो प्रदेश जो 2014 से पहले गरीब की कल्याणकारी योजनाओं में जिसका जिक्र देश में आता था, इंदिरा जी के समय 100-100 गज के प्लॉट कटे थे देश में, उसके बाद किसी प्रदेश ने किसी सरकार ने 100 गज के प्लॉट का काटने का काम नहीं किया। अगर हुआ तो हरियाणा में एससी वर्ग के हमारे भाई, बैकवर्ड के हमारे भाई, 4 लाख परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट दिलाने का काम कांग्रेस की हुड्डा सरकार ने हरियाणा में करके दिलाने का काम, चाहे 100 गज के प्लॉटों की बात हो, चाहे प्रियदर्शनी इंदिरा आवास योजना में 3.5 लाख मकान बनवाने की बात हो, चाहे 20 लाख गरीब घर के बच्चों को स्कूल के अंदर वजीफा दिलाने की बात हो, चाहे पीने के पानी की टूटी टंकी देने की बात हो, चाहे राशन डिपो पे तेल चीनी दाल के साथ अच्छी क्वालिटी के अनाज की बात हो, जो प्रदेश गरीब कल्याण में चाहे बड़े बुजुर्गों को और हर वर्ग को देश में सबसे ज्यादा पेंशन देने की बात हो, जो प्रदेश गरीब कल्याण में देश में नंबर एक हुआ करता था 2014 से पहले, वो आज महंगाई में नंबर एक बन गया। हर घर का बजट बिगाड़ दिया इन्होंने। महंगाई देश में सबसे ज्यादा टैक्स अगर कहीं है, सबसे ज्यादा वेट अगर कहीं है, तो इस खट्टर सरकार में बीजेपी सरकार में हरियाणा के अंदर है। आज हर घर की गरीब के डीजल पेट्रोल रसोई गैस का सिलेंडर, जो सिलेंडर 400 पे था आज 3 गुना बढ़ गया। डीजल पेट्रोल रसोई गैस का सिलेंडर, स्कूल के बच्चों की फीस, बिजली के बिल, आज हर घर के बजट को बिगाड़ने का काम इस सरकार में हुआ। जो प्रदेश 10 साल तक शांति का प्रतीक था, 10 साल में किसी वर्ग को धरना नहीं देना पड़ा,
किसी को अपनी मांग के लिए जैसे ये बैठे हैं आए हुए हैं ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए हमारे कर्मचारी दर दर ठोकरे खा रहे हैं, उन पर लाठी की भाषा से जवाब दिया जा रहा है। 10 साल तक कर्मचारी व्यापारी किसान कोई धरना नहीं कोई धरना नहीं हुआ उस प्रदेश में। इस खट्टर सरकार में कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा जिसको किसान से लेकर और मजदूर तक जिसको धरना ना देना पड़ा, और कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा जिस धरने को सरकार ने लाठी की भाषा से जवाब ना दिया। वो प्रदेश जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा था जब हमारी सरकार थी कांग्रेस की सरकार हुड्डा साहब के नेतृत्व में, 14 विश्वविद्यालय हरियाणा के अंदर जिसमें से 2 विश्वविद्यालय हिसार लोकसभा क्षेत्र में, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी हिसार की बात हो, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी प्रेमनगर जो भवानीखेड़ा हल्का में पड़ती है उसकी बात हो, 14 यूनिवर्सिटीज बनवाने का काम हुआ था, 2300 स्कूल नए स्थापित करने का काम हुआ था। आज करने के बाद छोटे छोटे बच्चों को अपने स्कूलों के आगे धरने पे बैठने में मजबूर होना पड़ा, शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई। जब हमारी सरकार थी 1 लाख केवल शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती हुई थी, आज उस प्रदेश में 9 साल तक शिक्षकों की भर्ती नहीं, स्कूलों पे ताले लग रहे, गरीब का बच्चा कहां जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं खट्टर सरकार से, जिस प्रदेश में स्वास्थ्य के मामले में जो हमारी सरकार थी, 6 मेडिकल कॉलेज पूरे प्रदेश के कोने कोने में, और मैं एक बात बताना चाहता हूं हरियाणा के गांव और देहात में कुल मिलाकर 641 पीएचसी और सीएचसी में से 476 यानी कि 1/3 75% पीएचसी और सीएचसी छोटे अस्पताल अगर बने तो 10 साल की कांग्रेस की सरकार में बने, वहां एक कोई अस्पताल और एक मेडिकल कॉलेज की तो दूर की बात है। आज वहां ऐसी व्यवस्था आ गई गरीब आदमी के पहुंच के बाहर इलाज क्या गरीब आदमी के पहुंच के बाहर इलाज हो गया, और गरीब के बच्चे के पहुंच के बाद मेडिकल की शिक्षा हो गई। 40,000 फीस थी मेडिकल कॉलेजों में, आज 40 लाख की फीस गरीब के बच्चे मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस स्टूडेंट्स उनको भी धरने पे बैठना पड़ा। ऐसी स्थिति वो प्रदेश जो खिलाड़ियों के सम्मान में जो अभी कह रहे थे बिजेंदर, खिलाड़ियों के सम्मान में देश में जिस प्रदेश के उदाहरण दिए जाते थे, 750 खिलाड़ियों को सीधा भर्ती किया गया था जिसमें भाई बिजेंदर बॉक्सर भी शामिल थे, आज उस प्रदेश का उदाहरण दिया जाता है कि उस प्रदेश की बेटियां जो ओलंपिक में मेडल लेके आई उनको घसीट घसीट के दिल्ली की सड़कों पर इस सरकार ने घसीटने का जो काम किया, लेकिन उसके बावजूद हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के खेल मंत्री या किसी हरियाणा के बीजेपी के नेता के मुंह से ये नहीं निकली कि हम अपनी बेटियों को कहना चाहते हैं आप धैर्य रखें, अपना मेडल मत भाएं गंगा में, आपको न्याय मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, दुनिया में ऐसा उदाहरण नहीं कि ओलंपिक की विजेता हमारी बेटियां, वो भी किसी की बेटियां थी जिनको घसीटा जा रहा था, मगर उस प्रदेश में आज ऐसा उदाहरण सेट करने का काम इस सरकार ने किया। जो प्रदेश जहां व्यापारी को 10 साल तक ना इंस्पेक्टर राज की चिंता थी, ना ईडी राज की चिंता थी, कानून व्यवस्था अच्छा था, आज वहां व्यापारी इस सरकार के डर से आज ये स्थिति आज प्रदेश के अंदर आ गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये जो खट्टर सरकार 9.5 साल की, इस सरकार से छिकली एक निभावी कसर रह रही है, और ये हिसार विकास की पटरी से उतार दिया हरियाणा प्रदेश को। मैं हिसार की भी बताना चाहता हूं, आपको याद होगा किसी भी बड़े केंद्र का अगर विकास जुड़ा हुआ है तो कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। 2009 में हम यहां से लोकसभा नहीं जीते, लेकिन देश के प्रति, हिसार के प्रति अपनापन और देश और प्रदेश के प्रति एक जिम्मेदारी के रूप में मैंने दिन रात मेहनत करके हिसार को कनेक्ट कराने के लिए 4 लेन सड़क जो रोहतक से सीधा डवाली तक और सीधा हांसी से महम की रेल की लाइन और एयरपोर्ट 2012 में एक एयरपोर्ट हिसार में और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो महम मुंडाल बडेसरा जो इसी लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो हिस्सा पड़ता है भिवानी हिसार रोहतक 3 जिलों को टच करता हुआ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं इन्होंने चाहे वो हमारी सरकार में ये इस एयरपोर्ट की बात हो, ये 4 लेन की सड़क की बात हो, रेल की लाइन, आज तक 9 साल में उस रेल बुलेट ट्रेन की बात करने वालों ने आज तक रेल की सीटी नहीं सुनी। जिस दिन ये रेल चल जाएगी हिसार से दिल्ली का रास्ता 80 किलोमीटर रेल का कम हो जाएगा, सीधी ट्रेन चलेगी सिरसा से और दिल्ली पहुंचेगी डायरेक्ट, अपना ट्रेन की कनेक्टिविटी बनेगी। ये विकास के, ये एक सोच के साथ औद्योग की बात हो, चाहे वो थर्मल 5,000 करोड़ की लागत से, चाहे थर्मल कारखाने लगाने की बात इधर खेदड़ के अंदर हुई हो, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, चाहे हिसार के अंदर अलग अलग सावित्री जी ने
प्रयास के हुड्डा साहब का साथ लिया, अलग अलग पुलों की बात हो, सदन बाईपास की बात हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस सरकार में हिसार में कोई यूनिवर्सिटी, कोई थर्मल कारखाना या कोई नया काम, जो पुराने काम करके गए, रेल की लाइन और एयरपोर्ट अभी वही पूरे नहीं हुए, कोई नया काम इन्होंने कराया कि नहीं कराया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 9 साल बहुत लंबा समय होता है। आज हरियाणा को विकास की पटरी से और हिसार को भी विकास की पटरी से, इस सरकार के पहलू हैं चार, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और अहंकार। ये सरकार, मैं एक बात आपसे राजनीतिक भी करना चाहता हूं, ये सरकार जो बनी 2019 में, दोबारा से खट्टर सरकार हरियाणा में बीजेपी सरकार बनी, ये बननी नहीं थी, लोग नहीं चाहते थे, लोग बदलना चाहते थे, और उसका प्रतीक हिसार लोकसभा क्षेत्र है। यहां पे 9 विधानसभा है, 9 विधानसभाओं में से 5 विधानसभा में आपने विपक्ष को जिताया था, 4 पे जेजेपी को और आदमपुर पे कांग्रेस को, 5 पे केवल 4 सीट दी थी आज, मगर आज 9 के 9 विधायक आपने 4 सीट दी थी, 75 पार की हवा निकाली थी, मगर आज 9 के 9 विधायक लाइन लगाकर बीजेपी सरकार की शरण में चंडीगढ़ में इस निकम्मी सरकार के साथ, ना तो किसान आंदोलन देखना पड़ता, ना हमारी बेटियों का, खिलाड़ियों का देखना पड़ता, अगर ये जिनको आपने जिताया था इनके खिलाफ वो खड़े रहते, मगर बीजेपी ने इनको अपने साथ मिलाया। नेता और पार्टियां तो बिकाऊ हो सकती हैं, लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूं, जनता बिकाऊ नहीं है, जनता टिकाऊ है। जिन्होंने विश्वासघात किया है उनसे भी समय आने पर जनता उनका भी विश्वासघात का भी हिसाब किताब लेगी। इस सरकार के दो जननी और जनक, एक विश्वासघात और एक भ्रष्टाचार। क्योंकि विश्वासघात करके सरकार बनी, मेजोरिटी नीति 40 सीट थी, एक का नारा था 75 पार, बीजेपी ने नारा दिया 2019 में 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी को करो जमुना पार, जेजेपी पार्टी दुष्यंत चौटाला जमुना पार, कहता था कि नहीं कहता था, मैं पूछना चाहता हूं। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था जमुना पार, इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए पक्के यार, और हरियाणा में बना दी भ्रष्ट सरकार। कहा कि 5100 पेंशन पे समझौता कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं अपने बुजुर्गों से, वो आपकी 5100 पेंशन आई या नहीं आई? 5100 की पेंशन का समझौता नहीं था, हरियाणा को भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ाने का समझौता था, भ्रष्टाचार का लाइसेंस लेने का समझौता था, लूट की छूट का समझौता था। जब महकमे बांटे गए तो इस आधार पे बांटे गए कि खुद की कमाई कैसे हो, इस आधार पे नहीं कि लोगों का काम कैसे हो। शराब किसके पास गया, एक्साइज किसके पास गया, पंचायत किसके पास गया, पूरी लिस्ट तो हमारे पास भी नहीं है, पूरी लिस्ट चाहिए तो आप नारनौंद से दादा गौतम के पास चले जाएं, वो पूरी लिस्ट ले रहे हैं।